आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। उसके लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ताकि उसी डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लगा दिया है और आज के ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी क्लोज हुआ है वो 18,027 पे क्लोज हुआ है। इट्स मीन कि जो इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस था पहले 18,000 का, अब निफ्टी उस पर्टिकुलर लेवल को एज अ क्रूशियल सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो निफ्टी जब तक 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक वी कैन से दैट निफ्टी एक बुलिश जोन में है और यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की तेजी अपने को और देखने को मिल सकती है एज पर द प्राइस एक्शन। चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल की, जो टेक्निकल पे जो मूवमेंट हो रही है उस पर्टिकुलर मूवमेंट के हिसाब से ट्रेंड किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, निफ्टी ने ये पर्टिकुलर हाई बनाया जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, जो कि 18,900 के अराउंड था। देन निफ्टी इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन वहीं से निफ्टी के अंदर लोअर लोज की सीरीज लगना स्टार्ट हो गई है। एंड देन निफ्टी ने ये पर्टिकुलर लो बनाया जो कि 17,800 के अराउंड था। देन इस पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट रिकवरी आई लगभग 400 से 500 पॉइंट की, मीन्स निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल से लगभग 18,300 के पास गया। देन इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन दोबारा से मार्केट करेक्ट हुआ और एग्जैक्टली मार्केट ने जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट था उसी पर्टिकुलर लेवल के पास यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड देन यहीं से मार्केट के अंदर एक रिकवरी अपने को देखने को मिली। और एग्जैक्टली जो इस रिकवरी का हाईएस्ट पॉइंट था वो समवेयर इस पर्टिकुलर रिकवरी के पास था, है ना। तो एज पर द टेक्निकल वी कैन से दैट अभी मार्केट यहाँ पर कम्प्लीटली बुलिश जोन में है, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे होंगे ये पर्टिकुलर शॉर्ट रिकवरी यहाँ से यहाँ तक आई एंड देन ये पर्टिकुलर शॉर्ट रिकवरी यहाँ से ही रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। मीन्स वी कैन से दैट थोड़ा करेक्ट हो रहा है मार्केट एंड देन दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगेन जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर रहा है तब तक वी कैन से दैट मार्केट के अंदर दोबारा से यहाँ से बाउंस बैक अपने को देखने को मिलेगा। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी ट्रेड को बुलिश डायरेक्शन में ही प्लान करके चलना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो बात करें एग्जैक्ट एंट्री की, किस पर्टिकुलर लेवल के पास आपको अपनी बाइंग ट्रेड को इनिशिएट करना है, तो अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 18,145 के ऊपर सस्टेन करता है तो इमीडिएटली यहाँ पर आपको एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। बात करें टारगेट की, तो इस पर्टिकुलर रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको टारगेट लेके चलना है, जो कि 18,251 का है। लगभग मार्केट अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो 100 से 150 पॉइंट की रिकवरी अपने को देखने को मिल सकती है मंडे ट्रेडिंग सेशन में। तो उस रिकवरी का फ़ायदा उठा के आप मार्केट से यूज़ एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से मंडे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में आप अपनी ट्रेड को प्लान करके चल सकते हो इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ताकि बैंक निफ्टी में भी हम उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज़ एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट मैंने लगा दिया है। बैंक निफ्टी ने ये पर्टिकुलर हाई बनाया, देन इस पर्टिकुलर हाई से बैंक निफ्टी ने ये लो बनाया, देन यहाँ से लगभग 1,500 पॉइंट की रिकवरी अपने को देखने को मिली। देन मार्केट के अंदर दोबारा से करेक्शन आई एंड करेक्शन ने एग्जैक्टली जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट था उसी लोएस्ट पॉइंट के पास सपोर्ट लिया एंड देन वहीं से मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। वी कैन से दैट मार्केट अभी एक रेंज में ही खेल रहा है, मीन्स डोजी टाइप में कैंडल बना रहा है। तो अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सस्टेन करता है, मीन्स ऑल ओवर ट्रेंड देखा जाए बैंक निफ्टी का कम्प्लीटली बुलिश है, लेकिन उस बुलिशनेस में मार्केट एक रेंज में खेल रहा है। तो देखना ये है कि अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस रेंज के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सस्टेन करता है जो कि 42,709 का है, तो इमीडिएटली यहाँ पर आपको एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। बात करें टारगेट की, तो इस पर्टिकुलर स्विंग का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका आपको टारगेट लेके चलना है जो कि 43,417 का है। तो लगभग
तो अगर मार्केट 42,719 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से 600 से 700 पॉइंट की रिकवरी अपने को देखने को मिल सकती है, जिस रिकवरी का फ़ायदा उठा के आप बैंक निफ्टी से यूज़ एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो।